सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शरारती तत्व ने शहर में जगह जगह दीवारों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वॉल राइटिंग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए भी शरारती तत्वों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नाहन में एक ही रात में शहर के महलात, शिमला रोड, महिमा लाइब्रेरी सहित कई इलाकों में जगह जगह दीवारों पर प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही ये मामला मीडिया में सामने आया तो तुरंत पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया। वहीं शरारती तत्वों द्वारा की गई इस हरकत के बाद सरकार के सूचना तंत्र के भी हाथ पांव फूल गए। जिला के एएसपी ने तुरंत थाना सदर नाहन के एसएचओ को मौके पर जाकर मामले की जाँच करने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सिरमौर भाजपा के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है, जिसकी बीजेपी कड़े शब्दों में भर्त्सना करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में उपायुक्त और एसपी से बात कर कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए ऐसे शरारती तत्वों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, साथ ही इस मामले में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से भी कानूनी सलाह ली जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बहुत ही गलत है और हम इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस बारे में जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट करेंगे ताकि वो इसकी इंक्वायरी करें और इस प्रकार के अवांछित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।